ये इत्तेफाक नहीं है बाबर, ये एक सोची समझी साजिश है। वो सब छोड़ें, पहले मुझे ये बताएं कि आपको मोहब्बत के लिए वो कद्दू जैसा इंसान ही मिला था। मैं जब से उसको देख के आया हूँ, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हमारा उससे कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ है। वाकई? हाँ, मेरी आपसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे। आप तो स्टैंडर्ड को हमेशा अहमियत देती हैं, आपने प्यार ही अंधा कर लिया। तो अच्छा भला अच्छा खासा हैंडसम हुआ करता था वो। हैं? हैंडसम और वो चपड़ कनातिया। सच कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। अब आप इस चैप्टर को क्लोज समझें। मैंने सोच लिया है कि मैं आपके लिए चांद सा चेहरा और सितारा आंखों वाला दूल्हा लेके आऊंगा। देखो, मुझे लगता है अंदर ही अंदर वो भी बहुत दुखी है, मुझे खोकर पछता रहा होगा, इसीलिए तो उसने ऐसा हाल बना लिया अपना, और क्या। वैसे हद होती है खुशफहमी की। बाबर, बताओ ना, सच में ऐसे थे? तुम्हें किस बात की परेशानी है? वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में जो लड़का है वो तो इंतहाई हैंडसम, चंदे आफ्ताब चंदे मेहताब है। बड़ी खुशफहमी है। नहीं 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 नहीं, खुशफहमी तो नहीं है। अगर चाहो तो तुम अभी जाके कुछ लड़कियों से तस्दीक कर सकती हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे उजाला, मैं सोच रहा था हमारे रिश्ते में कोई रुकावट नहीं है, मेरी अम्मा भी राजी हैं, तुम्हारे अब्बा भी राजी हैं। अच्छा, और अगर मैं इस रिश्ते से मना कर दूं तो? तुम हो ही नहीं सकता। मैं यकीन से कैसे कहते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में अपनी तस्वीर नजर आती हो जाए।